अगर कैमरा ना होता तो रोहित शर्मा कार्तिक को मैदान पर ही थप्पड़ मारते। डीके का मुंह दबाना पड़ेगा भारी, विश्व कप से पहले छिन सकती है कप्तानी। धोनी से लेकर सचिन तक नाराज, मोदी तक पहुंची रोहित शर्मा की शिकायत। ऑस्ट्रेलिया से मिली करारी हार के बाद शिकायत सीधे मोदी तक पहुंची। खेल में सियासत की एंट्री हो चुकी है। आईपीएल के किंग रोहित शर्मा विश्व क्रिकेट में पूरी तरह फेल हो चुके। रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ ने मिलकर टीम इंडिया की लंका लगा दी है। रोहित का गुस्सा, द्रविड़ की खामोशी ने टीम की भावना को कुचल दिया है। 3 मिनट की रिपोर्ट देखने के बाद आप खुद कहेंगे रोहित को कप्तानी से हटा देना चाहिए। दिनेश कार्तिक टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं। जब पहला T20 भारत ने खेला था तब भी दिनेश कार्तिक सचिन सहवाग वाली टीम का हिस्सा थे, आज रोहित वाली टीम का हिस्सा है। 18 साल से T20 खेलने वाले कार्तिक को मैदान पर ही रोहित शर्मा पीट देते अगर वक्त रहते कैमरा वहां ना पहुंचा होता। पहले भुवनेश्वर कुमार को पैर से मारा, अर्शदीप पर गुस्सा निकाला, अब कार्तिक की गर्दन पकड़ते ही शिकायत मोदी तक पहुंच गई। दरअसल मैच का 12वां ओवर चल रहा था, उमेश यादव के हाथ में गेंद थी। उमेश यादव की गेंद पर मैक्सवेल ने बाहर जाती गेंद पर शॉट खेला और गेंद कार्तिक के हाथों में चली गई। कार्तिक ने हल्की अपील की, अंपायर ने आउट नहीं दिया। तभी रोहित DRS लेकर चिल्लाने लगे। फिर दिनेश कार्तिक के पास पहुंचे और उन पर चिल्लाते हुए उनका गला पकड़ा और मुंह दबा दिया। ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। दिनेश कार्तिक को ऋषभ पंत की जगह खिलाया गया था। रोहित शर्मा को देखकर लगा कि वो दिनेश कार्तिक को टीम पर बोझ समझते हैं। ये तस्वीरें जैसे ही वायरल हुई सोशल मीडिया पर रोहित फिर से विलन बन गए। लेकिन आप जानते हैं मैच गेंदबाजों ने नहीं बल्कि रोहित शर्मा ने खुद हरवाया। माही होते तो ये मैच भारत का होता, विराट कैप्टन होते तो ये मैच भारत का होता। रोहित शर्मा का वीडियो शेयर कर IAS अधिकारी ने भी कह डाला, कप्तान को किसी भी परिस्थिति में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पर IAS अधिकारी का ट्वीट वायरल हो गया। दरअसल अधिकारी ने भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा का फ्रस्ट्रेटेड वाला वीडियो शेयर करते हुए कप्तान को कूल रहने की सलाह दी। उधर दर्शक सोशल मीडिया पर PM मोदी से कानून लाने की बात कर रहे हैं। दर्शकों की अपील है कि संविधान में संशोधन करके ये जोड़ा जाए कि भुवनेश्वर कुमार को 19वां ओवर नहीं देना चाहिए। रोहित शर्मा की 3 लगातार गलती पर राहुल द्रविड़ चुप क्यों हैं? टीम मैनेजमेंट बात क्यों नहीं करता? कहानी क्या है? पाकिस्तान के खिलाफ भुवनेश्वर का 19वां ओवर, श्रीलंका के खिलाफ भुवनेश्वर का 19वां ओवर, अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भुवनेश्वर का 19वां ओवर। एक गलती बार बार फिर भी राहुल द्रविड़ बाहर बैठकर चुप रहते हैं। रोहित का वीडियो देखकर भारतीय क्रिकेट के दिग्गज नाराज हैं। दुनिया का कोई महान खिलाड़ी फील्ड पर ऐसा व्यवहार नहीं करता है, कम से कम सीनियर खिलाड़ी से तो बिल्कुल भी नहीं। एक बार रविंद्र जडेजा ने सुरेश रैना की गर्दन दबा दी थी, जिसके लिए उनको माफी मांगनी पड़ी थी। पाकिस्तान के बल्ला उठाने वाले आसिफ अली और कार्तिक की गर्दन पकड़ने वाले रोहित में क्या फर्क है? महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 10 साल खेलने के बाद भी रोहित कप्तानी नहीं सीख पाए। धोनी ने कभी किसी खिलाड़ी को ना तो गाली दी, ना चिल्लाए, ना ही किसी को डांटा, मुश्किल से मुश्किल मैच निकाला। दरअसल हार की 5 सबसे बड़ी वजह क्या रही? सूर्य राहुल पांड्या की तूफानी पारी के बाद भी मैच रोहित ने हरवाया या गेंदबाजों की वजह से हारे? अर्शदीप बुमराह को 1 साथ आराम देना, दीपक चाहर को नहीं खिलाना टीम इंडिया पर भारी पड़ा। उमेश यादव 2 साल बाद वापसी कर रहे थे तो उन्हें 2रा ओवर हर्षल पटेल से फेंकवाना चाहिए था। फील्डिंग में भारी मिस्टेक, कैच तक नहीं पकड़ा जा रहा है। तीनों हार में कैच ड्रॉप एक बड़ी वजह बनी। अक्षर पटेल के अलावा किसी की गेंद में जान नहीं दिखी, फिर नए गेंदबाजों को मौका क्यों नहीं मिला? उमरान मलिक, नटराजन, सिराज, मोहम्मद शमी के साथ जब न्याय होगा तो टीम ऐसे ही हारेगी। उमेश यादव को टीम में लेने का तर्क किसका था? 2 साल बाद कोई भी खिलाड़ी टीम में सीधे आएगा तो उसकी फिटनेस कैसी होगी? अच्छा होता जहीर खान या इरफान पठान को बुला लेते। इरफान पठान तो लीजेंड्स लीग में तूफानी बैटिंग और बॉलिंग कर रहे हैं। यूसुफ पठान को बुलाना चाहिए क्योंकि ये खिलाड़ी रिटायर होने के बाद भी आज की टीम इंडिया के खिलाड़ियों से लाख गुना बेहतर खेल रहे हैं। लेकिन सियासत की मारी टीम इंडिया की हालत खस्ता है। वर्ल्ड कप में हार कोई रोक नहीं सकता। मोहाली के मैदान पर जो गेंदबाज स्कोर नहीं रोक पाए वो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ पर तो मजाक बन जाएंगे। इसलिए वर्ल्ड कप से पहले कप्तानी के साथ टीम को भी बदलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत TV।